बंगाल में भी तो कहा था 2 मई दीदी गई, अमित शाह कहाँ छुप के बैठ गए थे, फिर दीदी तो ढूंढती फिर रही थी, आए अमित शाह पूछे, दीदी को भगा रहे थे, वहाँ से तो वाजपेयी गायब हो गई। हमने ही गद्दी पे बैठाया है, मैं भी खुद हूँ, मेरे परिवार ने भी दिया है, अब मैं विरोधी हूँ। किसान चुनाव भले ही ना लड़ता हो लेकिन उस मुकाम पे पहुँचा देता है उस व्यक्ति को जहाँ कोई सोच नहीं सकता। राजा बनाया है, मोदी को कौन जानता था, हमने ही बनाया है और हम ही उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे कि कहाँ है। मतलब ये कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, अपने आप को फकीर बता रहे हैं, और कई करोड़ रुपए का सूट पहनेंगे, पैन लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, वो बिल्कुल फकीर हैं, सभी कहते हैं बेचारे के पास कुछ नहीं है, ना इनके पास घर है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, वो फकीर हैं, झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हकीकत में जो सड़क पे बैठे जो किसान नहीं होते तो इनको क्या ज़रूरत है। राजनीतिक लोग बता देते हैं कि ये लोग राजनीतिक हैं, अगर राजनीति करनी होती तो जहाँ सड़क पे नहीं बैठे होते, एक आदमी बैठता, इतनी यहाँ जो इतनी पब्लिक बैठी हुई है वो कोई वजह है। जो इनके सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, बताओ पेंशन खत्म कर दिए, जवानों की पेंशन खत्म कर रहे हैं, उनकी पेंशन वो बढ़ा रहे हैं, पेंशन ले लेकर के बैठ रहे हैं। तुम आवाज़ उठाने तो उन चोरों के ऊपर उठाओ ना जो इन्होंने बैठा रखे हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलते ही है। नहीं, वहाँ धूप में खड़े होकर के या फिर भूखे रह करके उस तरीके से लड़ी जाएगी, बताइए आप किस तरीके से। मतलब अगर किसान आराम कर लेगा थोड़ी देर के लिए, एसी में कर ले, चाहे वो कूलर में बैठ के कर ले, चाहे या पंखे के नीचे बैठ के कर ले, तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जब कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है तो अपने सारे पैंतरे वो नहीं बताता किसी को, ये तो वक्त आएगा और वक्त के साथ बताया जाएगा, जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं। एक छोटे से मुद्दे को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर के ऐसे उछालते हैं जैसे फुटबॉल को उछालते हैं। दिखाएंगे उनको, आने दो चुनाव, और दिखाया भी था अभी कुछ दिन पहले, दिखाया भी था और अब भी दिखाया जा रहा है, जबरदस्ती वोटों को, मतलब जबरदस्ती जा रहे हैं, वहाँ के एसओ जा रहे हैं, सीओ जा रहे हैं। अरे इनका काम चुनाव लड़वाने का रह गया क्या, वोटों को पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती अध्यक्ष बना रहे हैं, बन कौन रहा है, नाम पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे, क्यों, अरे डर किस चीज़ का है, चुनाव कराओ ना फिर। जबरदस्ती ऐसे किसी को वोट को उठवा रहे हैं, पुलिस से उठवा रहे हैं, सीओ को भेज रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, इनका काम क्या हो गया, पुलिस का चुनाव लड़वाने का काम हो गया आजकल। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्या? बिल्कुल की जा रही है जी, बिल्कुल की जा रही है, सामने दिखा रहे, वो स्पष्ट है, वीडियो भी कई वायरल हो रही हैं। इनको डर नहीं है तो सीधे छोड़ दो ना पब्लिक के ऊपर, अपने आप चुनेगी जिसको चुनना है, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। एसी में रहने पे टिकैत साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये असली किसान नहीं है, और असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, मैंने भी देखा ये। लेकिन हमारे 200 सांसद किसान होने का दावा करते हैं कि हम किसान हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह वो बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि मैं किसान हूँ, तो वो किसान के एसी में नहीं रह रहे, उनके ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। अगर टिकैत साहब 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए लेट गए तो उस पर मीडिया वाले, ये जो गोदी मीडिया है ये आवाज़ उठा रही है, और कोई वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। आराम करने का नहीं, आराम करने का सिर्फ हक उनको नहीं है, जो किसान है उनको तो हक ही नहीं है कि वो आराम कर सके, एसी में, कूलर में, पंखे में वो आराम नहीं कर सकता। खेत पे मिलना चाहिए, फटेहाल मिलना चाहिए, कपड़े फटे हुए हों, गंदे हों, और वो वहाँ पे किसान में कर से बिल्कुल दबा हुआ हो, उसको कहते हैं किसान, क्यों कहते हैं कि वो जिस तरीके से मोड़ेंगे उस तरीके से मुड़ता है। सरकार तो यही चाहती है, बिल्कुल जयचंद तो हर जगह है, नहीं है जयचंद तो है, जयचंदों ने ही तो इस देश का नाश किया है, और वही इस आंदोलन को ये चाह रहे हैं, कुचलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। जी, किसान के पास में 50 लाख का ट्रैक्टर है, क्या 30-35 हज़ार रुपए की एसी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। अपने आराम के लिए कोई भी व्यक्ति हो, एक किसान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अपने आराम की हर सुविधा वो उपलब्ध कराता है। गर्मी के हिसाब को देखते हुए अरे एसी का इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया है, कौन सा गुनाह कर दिया? जो हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, उनके ट्रैक्टर 50-50 लाख के हैं, उनके पास ऑडी गाड़ी हैं, बड़े बड़े उनके पास साधन हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं वो, लेकिन वो फिर भी किसानी खेती करते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में। वो खेत पे काम करने वाला आदमी चाहे वो छोटा हो या बड़ा किसान हो, किसान ही कहलाता है, खेत पे काम कर रहा है वो। अगर वो खेत पे काम करके अपनी फसल का वो दाम लेता है, या उससे वो एसी खरीदता है, या लग्जरी गाड़ी खरीदता है, तो इसमें कोई
मतलब कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहा है वो, लेकिन किसान के ऊपर उंगली उठाई जाती है। अरे उनके ऊपर उंगली उठाओ ना जो 200 सांसद हैं। किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था जो सर्दी का समय था नवंबर में, तो किसान हीटर लेकर आए थे, कोयला लेकर आए थे, गर्म पानी यूज करते थे, तो गर्मी में वो कूलर ले आए, एसी ले आए। एक बात तो कोई दिक्कत क्या है इससे? एसी के वो मुद्दा बना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इतने किसान हमारे शहीद हो गए, उनके ऊपर एक बार भी, जिसने भी ये फोटो खींच के वायरल किया है, मैं उसी को आपके माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, उससे ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने लोग यहाँ अपनी एक तरह से शहादत दे दी उन्होंने, वो तब वो उस वक्त कहाँ गए थे, उनके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी, उनके फोटो क्यों वायरल नहीं किए थे? एक ये एसी में सो रहे हैं टिकैत साहब, उसको वायरल कर दिया। अरे उनको भी तो वायरल करते, कम से कम तुम्हें किसानों की आवाज़ उठानी है तो उठाओ, सही तरीके से उठाओ, जो बात जायज़ है उसको दिखाओ। किसान अन्न पैदा करता है, मेहनत करता है, और हमारे पीएम साहब हैं मोदी जी, वो कहते हैं मैं फकीर हूँ, मैंने बर्तन, मेरी माँ ने बर्तन धोए थे, मैंने जो है बहुत मेहनत करी, सड़क पर चाय बेची है, लेकिन वो 8,500 करोड़ के जहाज में चलते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। और यदि किसान एसी में लेटा हुआ है तो उसको लेकर बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। क्या लोग नहीं चाहते कि किसान एसी में रहे, उसकी थोड़ी लाइफ में सुधार आए? नहीं चाहते हैं, तभी तो ये जो वायरल की है फोटो, इससे ये साबित होता है कि इस जगह तो है ही है, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, और वही उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। किसान विरोधी हैं ये लोग, वो भी और सरकार तो है ही है। किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं क्या? बिल्कुल, हर जगह आते हैं, आंदोलन की क्या बात है, वो तो हर जगह हैं। चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो किसान कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, जो पार्टी जीते कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी पार्टी अभी तक किसानों ने चुन लिया किसको सपोर्ट करना है? कोई पार्टी नहीं चुनी है, और ना ही ये एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कि बीजेपी को हराना। जब बीजेपी या कोई भी है जो इस वक्त है प्रेजेंट, वो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी तो वो जड़ से उखड़ के जाएगी। अच्छा, यही होगा। लेकिन जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि हमारा मिशन चल गया है, हम 300 सीट लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। बंगाल में भी तो बहुत ऊंची ऊंची बात की थी। लेकिन जो देश की राजनीति का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसकी सत्ता यूपी में रहेगी उसकी केंद्र में आसानी से हो जाती है, तो बीजेपी तो पूरा प्रयास कर रही है कि हम यूपी को फिर से जीत लें 2022 में। तो किसान भी तो अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी, और करेंगे, दिखाएंगे। अरे ये किसान है कौन ये बताओ, हम ही ने तो वोट दिया है। लेकिन यूपी में चुनाव जो होता है बबली जी, वो होता है जात धर्म के नाम पर, मुद्दे होते हैं हिंदू मुस्लिम के, किसानों के मुद्दे तो फिर पीछे रह जाते हैं ना, जिनकी आप बात कर रही हैं। ना ना ना, अब जो लड़ाई चल रही है वो किसी जाति के ऊपर नहीं चल रही है, सिर्फ किसान की चल रही है, और किसान इस चीज इस लड़ाई को लड़के दिखाएंगे, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का मैटर है, अयोध्या का शुरू हो चुका है राम मंदिर निर्माण, कितना वो सफल हो पाएगा बीजेपी के लिए? देखिए ये तो राजनीतिक लोग हैं, पता नहीं क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, वो सफल होगा या असफल होगा। राम मंदिर से हमें कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उपलब्धि नहीं मिल रही है। जो किसानों की बड़ी समस्या है या किसी की भी छात्रों की समस्या है, उसको इन्हें देखना चाहिए, उसके वो मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक ही मुद्दा लेकर के ये चल रहे हैं, राम मंदिर किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर रहा है। लेकिन वोट तो उसी में मिलता है बीजेपी को, वोट हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं ना, ये हिंदू झंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ना तो पहले मुसलमान अलग था और ना ही हिंदू अलग था, दोनों भाई भाई हैं। हम हा से हिंदू होता है, मैं से मुसलमान होता है, तो हम शब्द को कोई भी अलग नहीं कर सकता और ना ही वो अलग होगा, दोनों मिल के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जो बीजेपी के नुमाइंदे वो तो इसी को लेकर चल रहे हैं कि हम वो चलते रहे ना, इन्होंने पहले यही तो किया है, लोगों में फूट डाली है, भाई भाई को लड़ाया है, लेकिन आज वो दोनों भाई समझ चुके हैं कि ये हमें लेके राजनीति करना चाहते हैं और हमें ही सामने रखना चाहते हैं, और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है।